नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है और सोमवार को इस सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे और 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 सालों के बाद मूल स्वरूप में पूरी भव्यता के साथ लौट रहा है और अपनों के आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अलग ही आनंद होता है, अलग ही महत्व होता है। और यहाँ काफी कुछ है जो इस यात्रा को अस्मरणीय बनाएगा और पास ही में महाकाल के महालोक का दिव्य और भव्य विस्तार हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे, अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। वैसे हम सभी जिस शहर में है वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है और मैं कहता हूँ इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की 118वें दिन अपनी 10वीं प्रेस वार्ता कर हरियाणा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है मैंने मार दिया उसको। और इस यात्रा में सर्द मौसम के बावजूद उनके टी शर्ट पहनने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं तपस्वी था और अब भी हूँ और चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये देश तपस्वियों का है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सर्दी के समय टी शर्ट पहनने को लेकर उन्होंने अपनी माँ सोनिया गांधी से डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि हाथ का निशान जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है ये अभय मुद्रा है और मौत इसके साथ ही गौतम बुद्ध भगवान, महावीर और गुरु नानक भी इस मुद्रा में देखे जाते हैं। यह शिव की पहचान है जो कि एक तपस्वी समझ सकता है। रविवार को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ट्विटर टीम के मेंबर मनीष जगत अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में काफी सियासी गहमागहमी देखने को मिली है। अपने कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुबह पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और अखिलेश के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मी भी पहुंचने लगे और इस दौरान वहां पहुंचे एक मीडिया कर्मी से लखनऊ में JCP के पद पर तैनात पीयूष मीडिया के ही अपभर्ता को लेकर ही जिसका पत्रकार ने करारा जवाब दिया और JCP पीयूष मीडिया ने ही ये बता दिया आपको कि सिग्नेचर बिल्डिंग से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार शुभम पांडे को धक्का दे दिया और उन्हें हाथ लगाने की ज़रूरत की। और इसके साथ ही मोडिया ने भी कैमरामैन से भी इसको लेकर बदतमीजी की। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पत्रकार ने पीयूष मोडिया जैसे सीनियर IPS अधिकारी के द्वारा की गई इस अभद्रता पर ही अपना तीखा विरोध दर्ज करवाया है। पत्रकार शुभम से धक्का मुक्की कर रहे पुलिस कर्मियों का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर पत्रकार शुभम पांडे की जमकर तारीफ कर रहे हैं और वहीं IPS पीयूष मोडरिया इस को लेकर ही जमकर कोसा भी जा रहा है। हापुड़ में भीषण कोहरे में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। कोहरे के दौरान ही स्कूल बस को रॉन्ग साइड ले जाना एक चालक को भारी पड़ गया। स्कूल बस की ही सामने से आ रही ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दौरान ही जिससे बस में सवार छात्रों में चीख पुकार मच गई है। और इस दौरान ही आपको बताते चले कि चालक प्रधानाचार्य समेत कुल 8 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। और ये सारा मामला थाना सिंभावली के ही सामने का बताया जा रहा है जहाँ पर ये ट्रक हादसे की खबर सामने आई है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ही कपसाड़ गांव में देर रात एक युवक को बाल काटने को लेकर इंतजार करने को कहना महंगा पड़ गया और दबंगों ने युवक की गर्दन पर
उस तरह से ही वार कर दिया और जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित युवक के भाई ने बताया है कि उसका भाई नाई का काम करता है और देर रात गांव के ठाकुर समाज के लोग उसकी दुकान पर बाल कटाने के लिए आए, लेकिन कुछ देर इंतजार के लिए कहने पर ही दबंगों ने उसके उस तरह से जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में सरधना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चला और वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरे भाई के साथ ये हुआ कि हमारा भाई जो है नाई का काम करता था, करता है अब भी। तो जो दूसरा पक्ष है, मैं नाम तो नहीं शायद उसका जानता जी, लेकिन जैसे कि आया बाल कटवाने के लिए, बोला उसने कि भाई इस ग्राहक को उठाओ और पहले मेरे बाल काटो। तो हमारे भाई ने कहा कि भाई पहले बाल इसके कटेंगे जो बैठा है, उसके बाद जो तुम्हारे काटूंगा मैं। अच्छा। उसने हक ना धक करते हुए उत्तरा उठाया और हमारे भाई की गर्दन पे मार दिया। मेरठ में एनवायरमेंट क्लब और वन विभाग द्वारा साझा त्यागी अभियान शुरू किया गया, जिसका आधिकारिक लोगो जिला अधिकारी और इसके साथ ही दीपक मीणा और DFO राजेश कुमार द्वारा जिलाधिकारी आवास पर लॉन्च किया गया। और इस अवसर पर ही जिलाधिकारी ने मेरठ वासियों से अभियान को सफल बनाने के लिए साझा प्रयोग न करने की अपील की है। मेरा सभी मेरठ वासियों से निवेदन है कि जो बच्चे या बड़े लोग भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं पतंग उड़ाने के लिए, वो ना करें। इसकी वजह से काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जनहानि होती है, पर्यावरण पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है, पशु हानि या पक्षियों की हानि हो रही है। और ये चाइनीज मांझा लीगली बैंड है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको यूज करते हुए या कोई भी व्यक्ति इसको बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरठ से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर बताया जा रहा है कि साझा त्यागो अभियान शुरू किया गया है, जिसका आधिकारिक लोगो जिलाधिकारी दीपक मीणा और DFO राजेश कुमार द्वारा जिलाधिकारी आवास पर लॉन्च किया गया। और इस अवसर पर ही जिलाधिकारी ने मेरठ वासियों से अभियान को सफल बनाने के लिए मांझा प्रयोग न करने की भी अपील की है। गोंडा के इटिया थोक में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए हैं और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मारपीट में दोनों पक्षों के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया। मामला आपको बता दें कि इटिया थोक थाना क्षेत्र के ही तेलियानी गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ पर यह मारपीट का मामला सामने आया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की कल यानी 10 जनवरी को गवाही होगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी MP MLA कोर्ट में कल पेश होंगे। वहीं मुख्तार अंसारी के उसरी चट्टी हत्याकांड में ही गवाही होनी है। और आपको बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और गोलीबारी में मुख्तार के गनर और इसके साथ ही ड्राइवर की मौत हो गई थी। और इस मामले में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी हैं और जबकि मुख्तार अंसारी आई विटनेस हैं। आपको बताते चले कि 3 जनवरी को मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन मामला 10 जनवरी के लिए टल गया। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुख्तार अंसारी की गवाही को लेकर अलर्ट मोड पर है। बताते चले आपको कि SP ने लव लश्कर के साथ ही जिला न्यायालय परिसर का भी जायजा लिया है। हमीरपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 के दो इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और साथ ही पुलिस ने 4 अन्य अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। बताते चले आपको कि आरोपी किसी घटना को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों के साथ इकट्ठे हुए थे। मामला आपको बता दें कि जरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ बताई जा रही है। इनामी बदमाश को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो पुरस्कार घोषित 15,000 रुपए के वांछित अपराधी
जिनकी पुलिस को तलाश थी, उनकी तलाश में पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और वहां पर इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिसमें से दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगने से वे घायल हुए हैं। साथ ही पूर्व की घटना में इनके साथ के चार अन्य वांछित अपराधी, उनको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से जरिया क्षेत्र में अभी 6 जनवरी को जो घटना कारित हुई थी, जिसमें एक परिवार के साथ मारपीट की गई और उनके घर पर फायर किया गया था, उससे संबंधित आपको हमीरपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और पुलिस ने बता दें आपको कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पैर में गोली लगी है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो गोरखपुर से खबर है, आपको बता दें गोरखपुर समाजवादी पार्टी को लेकर इसमें खबर सामने आई है, जहां पर जानकारी ये बताई जा रही है कि इसको लेकर इस दौरान ही ये भी जानकारी सामने आई है कि सपा नेता सपा प्रतिनिधि मंडल डीएम को ज्ञापन सौंपा है। और ये भी जानकारी आपको बता दें कि गोरखपुर प्रतिनिधि मंडल ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और डीएम को कई मामलों में ज्ञापन सौंपा और इस दौरान ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने मीडिया से बताया कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव और उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और वहीं एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है और इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की जाए और मनीष जगन अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। कि आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर जनपद का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सभी नेताओं के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी महोदय से मिला है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उनके परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और उसमें एक पक्षी कार्रवाई करते हुए कल हमारे एक कार्यकर्ता को अग्रवाल जी को गिरफ्तार करके, मनीष जगन अग्रवाल जी को गिरफ्तार करके अचानक जेल भेज दिया गया। अगर मनीष जगन अग्रवाल जी की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं तो क्या जो उस टिप्पणियों में ऋचा राजपूत जी के द्वारा जो टिप्पणियां हुई हैं क्या वो सम्मानजनक हैं? किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी के द्वारा उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। झांसी के एरज में बेतवा नदी से लापता युवक प्रशासन के लिए बना सरदर्द है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बालू कारोबारियों पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए कड़े निर्देश हैं, जिसका पालन करते हुए खनिज विभाग, पुलिस विभाग और तहसील प्रशासन इस कड़ाके की सर्दी में भी बार बार जांच करने खदानों पर पहुंचते हैं। आपको जानकारी दे दें कि बेतवा नदी में निजी भूमि पर भी सरकार द्वारा बालू के पट्टे दिए गए हैं और जिसकी जाँच करने प्रशासनिक अमला पहुँचा, जिसे देख कर वहाँ पर बैठे कुछ अल्लाह डर के मारे नदी में ही कूद गए और जिनमें से एक आपको बता दें कि राज बहादुर नामक मल्लाह, जिसकी उम्र लगभग 40 साल, वो गायब हो गया, जो प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया। पर शुक्रवार से ही पुलिस प्रशासन नाविकों और गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन के बावजूद भी मल्लाह पता नहीं चला उसका और कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लाह नदी में ही तैर कर कहीं भाग गया होगा और डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। मल्लाह नदी किनारे क्या कर रहा था और नदी में क्यों कूदा, फिलहाल ये सवाल बना हुआ है जिसका जवाब मल्लाह के मिलने पर ही संभव है। SDM ने साहब, यहाँ पुलिस ने छापा मार, जो डर के मारे कूद गया वो। किसके डर के मारे कूदा? अब पता नहीं, पुलिस सती, पुलिस SDM साहब साथ में थी, पुलिस यहाँ गई थी। कब की घटना है ये? परसों 10 बजे रात की। अच्छा, अभी क्या हुआ है, कुछ सुराग नहीं मिला?
कुछ नहीं मिला। हम यहाँ इस दिन से यहाँ पे लेटे बराबर दिन रात लड़ाई कर रहे, कोई पता नहीं मिल रहा। तैरना जानते थे वो नहीं जानते थे? तैरना तो जानते थे, सर्दी का टाइम इतना था, कहाँ से पेड़ जाने निकल जाएंगे। कितने बजे की घटना है? 10 बजे की बता रहे थे लोग यहाँ सब। दिन में रात्रि में? रात्रि में। क्या नाम है भैया आप? हरी। कहाँ के निवासी हैं? अभी कहाँ खड़े हैं हम लोग? नदी के पास। किस किस जगह, जगह का नाम क्या है? एरच है। अच्छा, यहाँ कोई घटना हुई है बता रहे हैं, कोई नदी में कूद गया है, कौन थे आपके वो? पिताजी थे। क्या नाम था? राजवाद। कितनी उम्र रही होगी? 45-50। तैरना जानते थे वो? हाँ, तैरना जानते। किस वजह से नदी में कूद गए? पुलिस या प्रशासन किसी की वजह से कूद गए। कितने बजे की घटना है? लगभग 9-10 बजे। रात्रि की दिन की? रात्रि। कब? परसों। परसों। महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मवेशियों से भरा तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से जा टकराया और इस हादसे में कंटेनर के पलट जाने से क्लीनर की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये भीषण सड़क हादसा कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुगीरा गांव का है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के दमोह निवासी शहजाद और राजेश सहित एक अन्य कंटेनर में आधा सैकड़ा मवेशियों को ही लादकर राट की ओर जा रहे थे और बताया ये भी गया है कि कंटेनर तेज रफ्तार में था, जिसके कारण कंटेनर मोड़ में ही अनियंत्रित हो गया और सीधा मस्जिद से टकराकर पलट गया। और सुबह तड़के घटना होने पर ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई हाईवे पर। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 घायलों को कंटेनर से बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, जबकि एक अज्ञात मृतक दीवार के मलबे के नीचे ही दब गया, जिसके शव को निकालने के लिए कई घंटों पुलिस को मेहनत करनी पड़ी। और घायल मध्य प्रदेश पर दमोह ही निवासी शहजाद और राजेश को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। और इस भीषण सड़क हादसे में कंटेनर में भरे तकरीबन आधा सैकड़ा मवेशियों में से 35 की मौत हो गई है। सवेरे करीब 4:30-5 बजे फोन आया कि ऐसे सुग्राम में एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक का जो ट्रेलर है, और वहाँ पर घटना को तुरंत PRB आ गई। और उसके बाद लगभग 5:40 पर मैं भी आ गया यहाँ पर, तो देखा कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। और उसमें झांक के अंदर देखा तो करीब भैंसें लदी हुई थी, तो उनको भैंसों को निकलवाने के लिए JCB वगैरह आई, फिर हमारा स्थानीय फोर्स जो है वो आ गया यहाँ पर, और जनता के द्वारा यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको बाहर निकाला गया, जिसमें लगभग 50 भैंसें थी और करीब हमारे ख्याल से 3 या 4 लोग थे, जिसमें एक ख़त्म हो गया, 2 को एक्सीडेंट हुआ था, तो वो 2 हॉस्पिटल भेजे गए हैं, बाकी यहाँ शांति है और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं। अंगेठी जलाकर सो रहे 5 प्रवासी मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है और एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का शिकार सभी मजदूर बिहार के बेगूसराय जिले से संबंधित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की रात को ही करीब 10 बजे काम निपटाकर शेलर में ही काम करने वाले सत्य नारायण साधा, करण साधा, सचिन कुमार, राधे साधा, अमंत कुमार और शिव रुद्र शेलर में ही बने एक ही कमरे में सो गए और सर्दी से बचने के लिए इन्होंने अंगीठी जला ली। और सोमवार सुबह काम पर नहीं आते देख लेबर ठेकेदार ने मजदूरों को जगाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा नहीं खोलने पर मालिकों को सूचना दी गई और इसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया तो सभी मृत अवस्था में पाए गए, जबकि शिवरुद्र की सांस चल रही थी। शिवरुद्र को तुरंत सुनाम के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बता दें आपको कि SHO मनप्रीत सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक
दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में राजस्थान में हैरत अंगेज का मामला सामने आया है, जहां मां की ममता जो है वो शर्मसार होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि बाड़मेर जिले में ही इसी ठंड में एक मां ने अपनी 15 घंटे पहले पैदा हुई नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद उसे 4 दोस्तों ने बचाया है। जानकारी के अनुसार माँ के बच्ची को फेंक जाने के बाद उस जगह से थोड़ी देर बाद ही 4 दोस्त टहलते हुए निकल रहे थे, तब उन्होंने बच्ची को देखा, जिसके बाद दोस्तों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मामला आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में ही बालोतरा कस्बे का है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि देर तक ठंड में रहने के कारण बच्ची को सर्दी हो गई है। हालांकि उस मासूम बच्ची को जान को कोई खतरा नहीं है और उसे फॉर्म में रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।